सभी हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस हटाने का फैसला लिया है। 155 अन्य राजनेताओं की भी सुरक्षा हटाई गई है। तो बड़ी खबर, इससे पहले 5 चौलगावादी नेताओं की सुरक्षा हटाने का सरकार ने फैसला लिया था और अब आज बड़ा फैसला ये कि हुर्रियत के सभी नेताओं की सुरक्षा हटा ली गई है। अजय जंडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, एक और बड़ा फैसला, पहले इसके संकेत दिए गए थे, अब जितने भी हुर्रियत के नेता हैं किसी को सुरक्षा नहीं मिलेगी सरकार की ओर से? बिल्कुल, आज जो सरकार ने, खासतौर पर राज्य सरकार ने, जो है गवर्नर ने बड़ी हाई लेवल मीटिंग शाम को फैसला लिया है। आपको बता दूं, राज्यपाल दिल्ली गए थे और उससे जब भी वापिस पहुंचे हैं शाम को, उन्होंने इस वक्त चीफ सेक्रेटरी बाकी एडवाइजर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया और फैसला ये हुआ मनीषा गिलानी से लेकर यासीन मलिक से लेकर सभी हुर्रियत के जो नेता हैं 18, उनकी सुरक्षा जो है वो वापिस ले ली गई है। और नहीं बल्कि 2 अन्य, जैसे शाह फैसल जो पूर्व आईएएस अफसर हैं कश्मीर में, उनकी सुरक्षा और पीडीपी के एक नेता वाहिद फराह सहित 155 ऐसे नेता हैं जिनको सरकार ने, जिनकी सिक्योरिटी रिव्यू में पाया कि इनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, उनकी सुरक्षा को जो है सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात की पुलवामा हमले के बाद जो है पहला फैसला ये था कि नेता जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनकी सुरक्षा जो है वापस ली गई थी और 18 जुड़ गए हैं, तो 22 उनकी सुरक्षा को भी। अजय, जो पहले फैसला लिया गया था 6 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटाई गई थी, तब ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार यासीन मलिक, गिलानी, इन लोगों को सुरक्षा क्यों मिल रही है? लगातार ये एंटी नेशनल कमेंट करते हैं, पाकिस्तान पर बातें करते हैं और मुझे लगता है कि वो पहली किस्त थी, दूसरी किस्त में बाकी जो बचे थे हुर्रियत के नेता उन सबकी सुरक्षा वापस ली गई है। बिल्कुल, पहले जो किया गया था उसमें सिर्फ 5 के नाम थे और अब जो फैसला आया है इसमें बता दूं जो मुख्य नाम है, सईद इंशा गिलानी, आदा सईद मौलवी, मौलवी अब्बास अंसारी, यासिन मलिक, सलीम गिलानी, शाहिदुल इस्लाम, जफर इकबाल भट्ट, नईम अहमद खान, मुख्तार अहमद वाजा, फारूक किट्टू जैसे बड़े नाम हैं जिनकी सुरक्षा जो है वापस ले ली गई है। चलिए, अजय, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त